हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओए सुनो, विशाखा मैम के स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। जैसे वो आएगा ना, खाना खिलाने के लिए शुरुआत कर देना, समझे? जी सर। ठीक है, चलो। विशाखा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? देख विशाखा, मैं सब कुछ। विशाखा, क्या है ये? विशाखा अब तक नहीं आए वो? हाँ यार, देखना कितनी देर हो गई है, और हम पार्टी में भी तो उसके लिए आए हैं। कॉल करना, पूछना कहाँ रह गए अब तक। विशाखा मेरी बात सुन। नंदिनी, जब देखो ट्रेजेडी क्वीन जैसा मुंह बनाए घूमती रहती है। वो फोन नहीं उठा रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। विशाखा मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, हमारा सब कुछ दांव पर है। अगर विशाखा ने इसकी बात मान ली तो सारे किए पे पानी फिर जाएगा। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे ना, आज ही इसका इलाज करते हैं। गॉड, जगह तो यही सुनी थी, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ओ गॉड, क्या करूं? उसे फोन करके बताना ही पड़ेगा कि वो यहाँ ना आए, उसकी जान को खतरा है। तुझे क्या लगा था तू विशाखा को सब बता देगी और हमारे सारे किए पे पानी फिर देगी? हाँ नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry। हर गलती की एक ही सजा होती है मैडम, और वो है मौत। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। बन गया है तेरा दोस्त, लगता है पार्टी खत्म होने के बाद आएगा। Have patience, आते ही होगा। वही तो नहीं हो रहा है यार, कितनी बेताब हूं मैं उससे मिलने के लिए। वो वहां पे। ठीक है, चलिए अंदर देखते हैं। नहीं नहीं, वो मैं नहीं आऊंगी वहां पे। वो कल रात से देखा है, तब से तो मेरा बीपी हाई हुआ है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप लोग जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, पानी के अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, इधर देखते हैं। कर्टन खोलो सर।
इतना सारा खून, ये हथियार, यहां बहुत बुरी तरह से काटछाट हुई है। ये जूतों पे निशान ये इस तरफ जा रहे हैं। मगर सर, रूपति जी तो कह रहे थे कि उस लड़की को पूल में डुबाया गया है। उस स्विमिंग पूल पर दो लड़के और एक लड़की थे। अचानक उन दो लड़कों ने लड़की को धक्का दिया, पानी में गिरा दिया। मगर उन्होंने चीखने चिल्लाने की भी आवाज सुनी थी ना। थोड़ी ही देर के बाद उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वहां जरूर कुछ बुरा हुआ है सर। ये सब उसी की निशानी है। जितना खून बहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है एक से ज्यादा लोगों की जाने गई। और यहाँ से कुछ घसीट के सीढ़ियों से नीचे की तरफ ले जाया गया है। ये देखो बेटी, सारे एविडेंस इकट्ठा करो। पूर्वी, पंकज, आसपास देखो क्या मिलता है। सर, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सर, ये क्या? देखो जरा। सर, कितनी बेरहमी से मारा है। सर, काट दिए। इन तीनों के पास आईडीज भी नहीं है सर। सर, कहीं ये तीनों वही तो नहीं है जिन्हें रूपवती ने घर के बाहर स्विमिंग पूल पे देखा था? हो सकता है। और इन तीनों के हाथ पे ये रेड रॉबिन क्लब का स्टैंप भी लगा हुआ है। लगता है ये तीनों किसी पार्टी से आ रहे थे। इस क्लब में जाके देखते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सुनो भाई साहब। अरे दया सर, आप आज कैसे? अच्छा, विशाखा मैम से मिलना है आप? तुम मुझे जानते हो? अरे सर, क्या बात करते हैं, कल आप ही तो आए थे रात को 12 बजे पार्टी में। क्या, पार्टी में 12 बजे? कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? सर, विशाखा मैम की पार्टी में। विशाखा मैम? अब ये विशाखा यहाँ है? हाँ है ना। और सर, कल रात को आप ही तो स्पेशल गेस्ट है कल रात की पार्टी में। कौन, विशाखा कौन? अरे यार, वो मेरे पड़ोस में रहती थी पहले, दोस्त है मेरी। ये विशाखा है अभी यहाँ पे? हाँ है ना। जरा बुलाइए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये क्या चक्कर है? हेलो विशाखा मैम, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद भी नहीं। लो मैडम आ गई। हाय दया। हाय विशाखा। क्या जरूरत थी कल पार्टी से ऐसे चली जाने की? मतलब ये सब तो चलता ही रहता है ना। क्या क्या चलता रहता है विशाखा? और कल मैं यहाँ तुम्हारी पार्टी में आया था। हाँ। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप, कल रात को आप ही तो हमारे साथ पार्टी कर रहे थे। हाँ
हाँ सर, और हम सबको कितना इंतजार करवाने के बाद आए थे आप, आपको याद नहीं? तो ये क्या बकवास है, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कुछ? देखो विशाखा, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं ड्यूटी पे हूँ। मजाक तो तुम कर रहे हो दया, क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं कल यहाँ पे क्या हुआ था? अरे यार, मैं अपने घर पे सो रहा था, तो तुम्हारी पार्टी में कैसे हो सकता? अच्छा, अगर तुम नहीं आए थे तो कल रात वो पार्टी में कौन था? अच्छा हुआ तुम आ गए, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं देर से आ गया। चलो कोई बात नहीं, आओ सबसे मिलवाती हूँ। और हाँ, तुमसे जरूरी बात भी करनी है। कैसी बात? आप सोच भी नहीं सकते, आपके यहाँ आने से हम सबको कितनी खुशी हो रही है। सर आप CID वाले जिस तरह से काम करते हैं ना सर, उसका कोई जवाब ही नहीं है। थैंक्स। सर आप हम सबके साथ एक पिक्चर लेंगे? Why not? Sure. Please. ठीक है। अरे मुझे भी लेना है। अरे पहले हमारे लिए ना। Hey you! दिखता नहीं है क्या अंधा है, लड़की को धक्का मारता है? Hey, मुंह बंद रख अपना। तू रास्ते में खड़ी रहेगी तो तुझे हटाएंगे नहीं क्या? शक्ल से ही गुंडे दिखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इनवाइट कर लिया विशाखा ने पार्टी में। ए, गुंडा किसको बोला तूने? ओ भाई साहब आराम से ठंडा हो। अब मैडम को सॉरी बोलो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हो आप। आप दूसरों के मामले में ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। आज तो ये लड़की और इसका ये मजनू खत्म, देखता हूँ मैं भी। और तू रास्ता ना पर निकल ले यहाँ से, समझा? CID ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? CID ऑफिसर तो तू डरा रहा है? मैं तू रुक यहीं पे, यहीं रुक। आते हैं अपने बाकी के साथियों के साथ और दिखाते हैं तुझे, और करते हैं इस पार्टी का कबाड़ा, और तेरी CID की ऐसी की तैसी करते हैं। CID ऑफिसर। क्या बोला? ए, CID की ऐसी की तैसी? क्या बोला तू? रुक। दया सुनो, दया। सर देखिए, आपने कल हमारे साथ पिक्चर्स भी क्लिक कराए थे। ये दया, कल जो दो लोगों के पीछे गए थे कौन थे बोलो? सर वो कोई बिन बुलाए मेहमान थे। अच्छा, कोई ऐसी लड़की जो कल पार्टी में थी और आज यहाँ पे नहीं है? हाँ सर, मेरी फ्रेंड नंदिनी, लेकिन पता नहीं क्यों दया के आने से पहले ही वो चली गई, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। लेकिन क्या बात है सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं है, वो एक केस की छानबीन चल रही थी। आप जरा ये फोटो हमें दे दीजिए और नंदिनी का फोन नंबर भी। मैं वाकई याद नहीं, तुम उस पार्टी में गए थे, वहां झगड़ा हुआ और फिर तुम इन लोगों के पीछे लगे? नहीं सर। नंदिनी को जानते हो? सर मैं इनको पहले कभी नहीं मिला सर। ये लो। दया मुझे तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए, फिंगरप्रिंट्स। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? हाँ मालूम, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझसे मेरा काम कहलवा रहा है। इन मर्डर वेपन्स पर उंगलियों के निशान हैं, तो दया की उंगलियों के निशान के साथ मैच कर लें, दैट्स इट। मगर क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, दया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो अभिजीत, जितना विश्वास तुम्हें दया पर है ना, उतना ही विश्वास मुझे भी दया पर। बड़ी मेरा काम है, फिंगरप्रिंट्स तो मैच करने पड़ेंगे ना सर। अभिजीत, डॉक्टर साहब मैं तैयार हूँ। ग्रेट। फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए।
मर्डर वेपन्स पे दया की उंगलियों के निशान है। ये बकवास है, गलत है ये। गलत है मतलब? कहना क्या चाहते थे? तुम ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर सालूखे को फिंगरप्रिंट्स मैच करना नहीं आता? वो मैं नहीं जानता सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दया को फंसाया जा रहा है। सर, तीनों लाशों के डीएनए के अलावा एक और डीएनए भी मिला है, एक लाश के कपड़ों पे से। किसका है? दया का है। हम ये नहीं कर सकते सर, हम आपके घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं? सर आप हमारे सीनियर हैं सर, हम दूसरों को आपकी ईमानदारी आपकी वफादारी की मिसाल देते हैं और हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं और आज आप ही के घर में? सॉरी सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा सर। पंकज अगर मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है तो ये मेरी गलती है, मैं अपना बचाव नहीं कर पा रहा हूँ। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और एसीबी साहब का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। जाओ घर की तलाशी लो। सॉरी यार। अरे यार तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा दुख तुम्हें हो रहा है ये सब देखते हुए करते हुए। कोई गलत नहीं है, इसी भी साहब भी नहीं, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ थे और हमेशा रहेंगे। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब हम एक दूसरे के सामने मुजरिम की हैसियत से आ जाते हैं। आज मेरा दिन है, चाय पियोगे? तुम बनाओगे? हाँ कभी कभी अच्छी चाय भी बना लेता हूं मैं। मजाक कर रहा था यार, ये कहां फंस गया मेरे यार। ये तुम्हारी पार्टी वाली शर्ट है। बोलते क्यों नहीं हो दया, बताओ। ये शर्ट तुम्हारा, सालूखे ने कंफर्म किया है कि शर्ट के ऊपर जो खून के धब्बे हैं ना, ये उन तीनों लाशों के जो रोज विला में मिले। अब क्या बोलूं सर, मैं मुझे सिर्फ इतना याद है सर कि मैं कहीं जाने के लिए निकला था कल रात, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सर। अरे यार दया, तुम साफ साफ कहते क्यों नहीं कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। अभिजीत यार क्या बोलूं जब मुझे कुछ याद ही नहीं है। सर मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे शर्ट पे वो खून कब और कैसे आया। उस पार्टी में जितने भी लोग थे सबने देखा है, इसे फोटो खींचवाया है तुमने, समझे? और यही शर्ट पहन रखी है, यही शर्ट। याद नहीं? अगर तुम्हें याद नहीं ना तो भी जितने भी सबूत वहां पर मिले वो सारे तुम्हारे खिलाफ है, इसका मतलब समझते हो तुम? हाँ सर, यही कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तब तक मैं किसी भी केस या केस की जांच में शामिल नहीं हो सकता। सर ये किस तरह का फैसला है सर? दया को कुछ याद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गुनहगार हो गया? फिलहाल तो है, प्राइम सस्पेक्ट है दया, समझे?
आरोपी है ये। जब तक ये पता नहीं चलता कि असली मुजरिम कौन है, तुम इस केस पर तो काम नहीं करोगे लेकिन नजर कैद में रहोगे, नजर कैद में अपने ही घर में, समझे? लेकिन सर ये नहीं, अभी ठीक रहने दो। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता और जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, तब तक के लिए ठीक ही है। सर मुझे आपका फैसला मंजूर है। यस सर। बट सर डैम इट। ओके सर। चित्रोली का फोन। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, तुम दया के केस पर काम नहीं करोगे। हैं? ये तो नाइंसाफी है सर। अब डीसीपी साहब को मुझ पर भी शक होने लगा, सिर्फ इसलिए कि मैं दया का दोस्त हूं तो मैं केस में बेमानी कर दूंगा? हद हो गई सर ये तो। मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा सर। जाके बोल दो चित्रोली को, उनसे कोई बात नहीं करनी मुझे सर। मुझे ये ऑर्डर मानना ही नहीं है यार। प्लीज अभिजीत, मेरे चक्कर में तुम अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालो प्लीज। अरे यार दया, अभिजीत हालात को समझने की कोशिश करो जरा। ठीक है सर, मैं इस केस से हट जाता हूं लेकिन मैं दया का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे बेगुनाह साबित करने की हर वो कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं। ऑफिसर आप यहाँ? ये विशाखा गड़बड़ है क्योंकि सारी मुसीबत उसकी पार्टी से ही शुरू हुई है, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभिजीत मुझे फंसाकर विशाखा को क्या मिलेगा? 2 साल पहले वो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, मैंने उसकी मदद की थी और अब वो मेरे खिलाफ साजिश करेगी? नहीं अभिजीत। लेकिन ये है कौन विशाखा? कैसे जानते हो तुम उसे? यार पहले वो मेरे पड़ोस में रहती थी, एक अमीर घर का लड़का गिरीश उसे परेशान कर रहा था। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि उसके मना करने पे वो उसे मारने वाला था। मैंने विशाखा को बचाया और इस गिरीश को 2 साल के लिए जेल भिजवाया। अब तुम ही बताओ कि विशाखा सपने में भी मेरे बारे में बुरा सोच सकती? तो फिर वो कुछ जानती है उसके बारे में और बता नहीं रही है, क्यों? कैसा है दया? कैसा हो सकता है? एक आदमी जो गुनाह रोकने के लिए जाना जाता है, आज उसी पे उंगलियां उठ रही हैं। खैर दया को कुछ याद ना हो मगर आप तो कुछ बता सकती है ना, कैसे हुआ ये सब? सर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो गई नहीं थी वहां, उसके पीछे पीछे रोज हाउस। हमने तो आपसे पूछा नहीं कि आप मर्डर प्लेस पे गई थी, ये तो आप बिना पूछे बता रही हैं कि आप वहां नहीं थी। वैसे आपने बताया था कि आपको कुछ जरूरी काम था, क्या काम था सर? अरे हाँ काम, वो काम तो एक्चुअली वो काम तो याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। और कौन कौन रहता है यहां आपके साथ? बस कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूं। विशाखा का कोई परिवार वाला जो इस मामले के बारे में जानता हो? विशाखा का छोटा भाई जो उसके साथ रहता है, कॉलेज में पढ़ता है। काफी अच्छा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास किताबों का, लगता है पढ़ने का बहुत शौक है आपको। जी
तो ये बात है, कैमरा लगाकर इस पे नजर रखा गया है, तभी ये इतनी सहमी हुई है और अपने भाई के बारे में भी नहीं बता रही है। ये सारा खेल उस गिरीश का ही है, वो बदला ले रहा है इससे और दया से। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो मुझे शराफा सिखाएगा है? गिरीश के बच्चे कहाँ है? विशाखा का भाई? विशाखा, तेरी सारी कुंडली जानता हूं मैं। अच्छे घर के होने के बाद भी 2 साल पहले विशाखा को परेशान कर रहे थे ना तुम। दया ने तुम्हें जेल भिजवाया है, 2 महीने पहले जेल से छूट कर आए हो तुम और फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। आप है कौन? CID से हूं मैं। दया को क्यों फंसाया और विशाखा का भाई कहाँ है? सर मैं मानता हूँ कि 2 साल पहले मैं विशाखा का पीछा क्या करता था, उसे परेशान किया करता था, लेकिन वो मेरा पागलपन था सर। अब मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। आज भी मुझे दया सर के थप्पड़ याद है सर। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। जो आप पूछ रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे कुछ पता नहीं है। आप मुझे जाने दीजिए सर। बंद कर ड्रामा, समझे? ड्रामा बंद कर। सर 3-3 खून तूने किए और दया पे इल्जाम लगा दिया। विशाखा के भाई को कहाँ छुपा कर रखा? बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर। आप क्या 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 पूछ रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा दिमाग बहुत खराब है, समझा? मैं तुझे यहीं पे गोली मार दूंगा और साबित कर दूंगा तूने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। बोल। ये मत कीजिए सर, मुझे कुछ पता नहीं है सर। सर समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज। आखिर तो वही निकला ना जैसा मैंने सोचा था। ये किसका फोन है? हेलो। चलो अब बहुत छुट्टी मना ली, अब CID ऑफिसर वाला काम करो और अपने दोस्त की मदद करो। hey, कौन हो तुम? दोस्त अभिजीत? एक बात ध्यान से सुन, अगर अभिजीत को कुछ हुआ ना तो तू तो जान से क्या समझ? जान से तो पहले अपने दोस्त को बचा लो। मुझे कहाँ आना है? हमें पता था तुम जरूर आओगे अपने दोस्त को बचाने। वो क्या ना बड़ी बुरी चीज होती है दोस्ती। एक दोस्त को तकलीफ में देखकर दूसरा खुद ब खुद चला आता है अपनी जान देने को। कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अभिजीत कहाँ है? क्या पूछा मैंने? गला खोद दूंगा तेरा। बोल। ऐसी गलती कभी मत करना दया, क्योंकि हुक्म का एक काबी मेरे पास है, तुम्हारा और दोस्त अभिजीत। तुमने अगर एक गलत चाल चली तो वो अपनी जान से जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जाओ अपने दोस्त को ढूंढो, वरना 5 मिनट बाद ऐसा धमाका होगा। बू Your time starts now. Abhijit. 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 अभिजीत दया। हाँ अभिजीत, कहाँ तुम? दया मैं यहाँ।
अभिजीत दे, दे, तुम ठीक तो? हाँ यार, ये बबलू को बचाओ जल्दी, बबलू को। बबलू? विशाखा का भाई बबलू यहाँ पर है? उन लोगों ने उसको यहाँ पे कब्जे में कर रखा है, बम बांध रखा है, उसको भी जल्दी बचाओ यार। ठीक है मैं। नहीं, दया, बहुत टाइम बहुत कम है यार, उसको बचाओ अभिजीत। मगर तुम, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोग जिंदगी भर पछताएंगे, मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ यार। कहाँ है तुम? इधर ही कहीं पे है, बहुत कम टाइम है, दया जल्दी। ठीक है, देखो देखो मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, देखो तुम। बबलू, 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 ओए मुझे बचाओ प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो। बबलू प्लीज हेल्प मी प्लीज। बबलू, ओए बचाओ प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, ओए। बबलू, 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 अंकल ये बम फट जाएगा, अंकल 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 ये बहुत डेंजर है। एक मिनट मुझे देखने दो सर। अंकल प्लीज, ये बम फट जाएगा अंकल, हम मर जाएंगे अंकल। कुछ नहीं होगा बबलू, कुछ नहीं होगा। एक मिनट शांत हो जाओ, ये लाल वायर, ये लाल वायर काटना होगा। एक मिनट, ओह नो, वो कटा। एक मिनट, मैं काटने के लिए कुछ लेके आता हूँ। अंकल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अंकल, अंकल प्लीज अंकल, ये बम फट जाएगा अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा लो अंकल। अंकल ये बहुत डेंजर लोग हैं। अंकल अंकल ये वायर, चलो पहले इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। तुम यही रहो। अभिजीत, तुम यही रहो।
अभिजीत। तुम यहां हाँ, मैं तुम्हें तड़पा के मारना चाहती थी और तुम आज उसी हालत में हो जिस हालत में एक समय गिरीश था, मजबूर लाचार। गिरीश? हाँ, तुम्हारे और विशाखा की वजह से मेरा गिरीश 2 साल जेल में रहा। मैं 2 साल अपने प्यार से दूर रही। रितिका, मैंने जो भी किया गिरीश के भलाई के लिए किया। अगर वो विशाखा का खून कर देता तो 2 साल नहीं, शायद फांसी हो जाती उसे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ बदला लेना था तुमसे और उस विशाखा से। इसलिए तुमने विशाखा के भाई को कॉलेज से किडनैप किया है ताकि विशाखा का इस्तेमाल करके तुम दया को फंसा सको। मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। सारी प्लानिंग करने के बाद मैं विशाखा के घर गई। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा भाई बबलू इसके पास है और ये इस शहर का छटा हुआ बदमाश है। क्या चाहते हो तुम लोग? सीआईडी ऑफिसर दया तुम्हारा दोस्त है ना, अपना फोन उठाओ, उसे फोन करो और कहो कि तुम एक पार्टी दे रही हो और उससे आना है। लेकिन किस लिए? दया के उस पार्टी में आते ही मैंने उसे स्कोजो कैलामाइन की ड्रिंक पिलाई जिससे उसे आगे पीछे का कुछ याद नहीं रहा। तो फिर डॉक्टर सालुंके को मेरे ब्लड में वो ड्रग के ट्रेसेस क्यों नहीं मिले? 24 घंटे के बाद खून में भी नहीं मिलता ये स्कोजो कैलामाइन। लेकिन दया जब मनी और सुमित के पीछे गया तब क्या हुआ था? इनको 3-3 खून के इल्जाम में फंसाना चाहती थी मैं। विशाखा की दोस्त नंदिनी ऐसा होने ही नहीं देना चाहती थी। वो दया को सब कुछ बताने वाली थी, उसे हमारे सारे प्लान के बारे में पता था, इसलिए सबसे पहले नंदिनी को ऊपर पहुंचाया। और जब ड्रिंक के नशे में लड़खड़ाते हुए ये सुमित और मन्या का पीछा करते हुए रोज हाउस पहुंचे। बहुत ऐसी अड़की ऐसी तैसी करने वाले हैं। ले जाओ अपने शिकार को। सुमित, मनिया और नंदिनी का खून तुमने दया की शर्ट पे लगा दिया, बेहोश दया को घर पहुंचा दिया और उसकी शर्ट छुपा दी उसके घर पे। एग्जैक्टली अभिजीत, अब सारी स्टोरी तुम दोनों को पता चल गई है, लेकिन अफसोस किसी को बता नहीं पाओगे। रितिका, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, बोली मुझे मार, इसे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारो। नहीं अभिजीत, अरे उसकी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें क्यों मारेगी? नहीं समझा करो इस तरीके से। अभिजीत, उसे आप लोग ठीक है ना? हाँ, थैंक यू, ले जाओ इन सबको। दिमाग घुमा दिया इस केस ने यार। चाय पिएगा? अदरक वाली। तुम्हारे हाथ की। और कौन बनाएगा, चलो। फोन
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.